हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा दर्शन के बारे में, मतलब कि एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपीएचएससी बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी शिक्षा के बारे में, दर्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं, शिक्षा के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा दर्शन के बारे में। तो शिक्षा दर्शन यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों ही एक साथ कंबाइन करके जब आते हैं तो उसको कहा जाता है शिक्षा दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ डेफिनेशंस बताने वाली हूँ जिसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी वीडियो के लास्ट में, उसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे सामने रॉस की। रॉस एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं और उन्होंने क्या कहा था कि दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्वेश्चन आता है कई बारी, पूछा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा था, तो आपको आंसर देना है रॉस ने कहा था। तो शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और जो एक दूसरे में अंतर्निहित है। मतलब रॉस ने कहा था कि शिक्षा और दर्शन जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे को विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं। एक ही मतलब दोनों ही तरह शिक्षा और दर्शन किसी चीज के दृष्टिकोण को अपने सामने आपके सामने दिखाते हैं और ये एक दूसरे में अंतर्निहित है। मतलब अगर मैं कहूँ कि शिक्षा दर्शन से अलग हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दर्शन शिक्षा से अलग हो जाए तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉन डीवी की। जॉन डीवी की जो डेफिनेशन है वो है शिक्षा एक ऐसी प्रयोगशाला है, शिक्षा एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां दार्शनिक विशेषताएं स्पष्ट होती हैं और उनका परीक्षण होता है। आप नोट भी कर सकते हैं डेफिनेशंस। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रयोगशाला है जो जहां दार्शनिक विशेषताएं स्पष्ट होती हैं तथा उनका परीक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एडम्स की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा जो है वो दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, ये किसने कहा था, तो आपको आंसर देना है कि ये किसने कहा था, एडम्स ने कहा था। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील रूप है, ये दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन स्पेंसर के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर एक बहुत बड़े एजुकेशनल फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने कहा था कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। मतलब रियल एजुकेशन जो है उसका अगर हमें संचालन करना है, सबके सामने एक्सप्लेन करना है, तो उसको हमें दर्शन की हेल्प से ही करना होगा। नेक्स्ट है रस्क के अनुसार। रस्क एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने कहा था दर्शन शास्त्र जीवन का जो ध्येय सोचता है, दर्शन शास्त्र जो जीवन का ध्येय सोचता है उसे बनाता है, शिक्षा उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है इसका सुझाव देती है। क्लियर कि रस्क ने क्या कहा था कि दर्शन शास्त्र जो है वो जो भी ध्येय सोचता है कि आपके जीवन का क्या गोल होने वाला है, शिक्षा उसको प्राप्त करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा लास्ट में वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी, तो आप उसे वहां से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी जिस तरह से आप सुटेबल आपके लिए हो वो आप कर सकते हैं।